राम राम किसान भाई, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो टॉपिक है हमारा भिंडी में कि जो खाद हम लोग डालते हैं, खाद में हम लोग कौन सी खाद है जो कि ऐसा लिक्विड खाद जैसे डाल सकते हैं। आप सभी थंबनेल में देखे होंगे कि हमारा एक लिक्विड खाद है जो कि यूरिया है। तो यूरिया हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जो कि यहाँ पे हम लोग का जो यूरिया सल्फेट जो छिटाई होती है, यानी जो हम लोग इसमें केरी में डालते हैं, तो इस पत्ते में आने के बाद ये पत्ते जला देते हैं। तो इस कारण से पत्ते जलने के कारण देखिए पत्ते इस तरह जलते हैं तो पत्ते खराब दिखते हैं, प्लस पत्ते में थोड़ा सा पोषक तत्व घट जाता है और ये पत्ते को रिकवर करने में टाइम लग जाता है। तो उसका जगह सल्फेट की जगह यूज ना करके एक नैनो यूरिया आता है जो कि लिक्विड रहता है। आप सभी को भी हम बोतल दिखाएंगे तो इसमें आज स्प्रे करना है और स्प्रे करने की मात्रा बताएंगे कि क्या कितने मात्रा में देना है, क्योंकि इस फसल में हमको सल्फेट डालना था। बहुत टाइम से सल्फेट वगैरह नहीं पड़ा है तो पौधे कम हरे प्लस पौधे लंबे नहीं हो रहे, तो इस कारण से हम लोग अभी सल्फेट डालेंगे और सल्फेट की जगह हम लोग नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे जो कि अभी इस पूरे प्लॉट में भिंडी के प्लॉट में भिंडी और प्लस करेला का प्लॉट में पूरा स्प्रे होगा। तो चलते फटाफट आप सभी को दिखाते हैं कि कौन सी दवा है और कितने मात्रा रखना है। तो किसान साथियों, यहाँ पे ये रहा मेरा नैनो यूरिया जो कि ये लिक्विड फॉर्म में एक आता है जो कि आप सभी को साइड में दिख रहा होगा दानेदार, तो उसी का लिक्विड फॉर्म में जिस समय फसल में आपको मतलब यूरिया का इस्तेमाल करना है तो उस समय आप जैसे बड़े छोटे अवस्थे में तो आप कर लेते, बड़े अवस्थे में थोड़ा सा इस तरह का दिक्कत होता है जो कि पत्ते में सल्फेट पड़ जाने के कारण पत्ते जलना चालू हो जाते हैं या भूरा रंग धब्बे जैसा हो जाते हैं, तो उसके जगह पर आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो ये आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। 15 लीटर पानी में हम लोग कितना डालेंगे, यहाँ पे 60 ml डालेंगे, 60 से 55 ml तक में आप रख सकते हैं, आप अपने अनुसार आप एरिया के अनुसार आप रख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ अभी 15 लीटर पानी है तो 55 ml लेंगे और 55 ml लेके हमको स्प्रे करना है। तो अभी इसको निकालते हैं फटाफट और स्प्रे करने चलेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल में न्यू विजिट करते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। आप फटाफट चलते हैं, डालते हैं, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना क्योंकि आप उसे थ्रू हमारा वीडियो देख पाओगे। हाँ पूरा डाल दो उसको। हाँ ये मेरा ढक्कन रहा दोस्तों, अभी निकालते हैं। कौन अलम चलता यूट्यूब में चल बता दे रहे तो ये रहा मेरा ढक्कन के साथ साथ है, इसमें हमको 55 ml निकाला है। यहाँ पे 30, 40 और ये 50 ml का है, ठीक है, लास्ट 50 है। तो हम इसमें अभी 50 पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर निकालेंगे। तो ये समझ लो एक सल्फेट ही है, बस ये लिक्विड फॉर्म में है, वो हमारे दानेदार रहता है ये लिक्विड में। तो इसको हम डालेंगे, ये 50 ml हुआ 15 लीटर पानी में और इसमें ऐड करेंगे 5 ml। ये रहा मेरा 5 ml, ठीक है किसान साथी, अब हो गया। कुछ और इसके साथ दवा नहीं डालना है, सिर्फ हमको सल्फेट का प्रयोग करना था। तो हम सिर्फ सल्फेट के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल किए हैं। ये डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा हुआ रहेगा और हमारे थंबनेल में भी आप सभी को दिख रहा होगा। तो अभी चलते इसको मतलब अच्छे से फिट लेते हैं और स्प्रे करते हैं पहले जाके। तो ये हो गया किसान साथी, अब चलते हैं देते हैं और समय की बात करेंगे तो हम लोग 6 बजे दे रहे हैं, शाम का 6 बजे दे रहे हैं और ठंडी मौसम में, क्योंकि दिन भर धूप रहता है और सुबह भी जल्दी से ही धूप हो जाता है, कड़ा धूप, इस कारण से हम लोग शाम को देते हैं और आजकल स्प्रे सब शाम में हो रहा है। तभी ये वाला पारिश देंगे, उधर मम्मी लोग खाद डाल रही, कल का केरी जो तैयार हुआ है उसमें तो वो सब डाल लेती है, उसके बाद उधर मम्मी लोग तभी इधर से हम सिंचाई करेंगे, मतलब इधर से हम स्प्रे करेंगे और मम्मी लोग उधर अपना काम करेंगे। तो अभी चलते यहाँ से स्प्रे करना चालू करते हैं लगाकर।
तो किसान साथी, हवा तेज रहने के कारण एक साइड से स्प्रे मेरा हो जाएगा और ये पौधे की जो अभी जो अवस्था है, यानी कि जो पौधे की जो हाइट है, वो हाइट आप सभी को कुछ दिन में, यानी कि 2 से 3 दिन में यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो किसी तरह का भी बनेगा, चाहे वो हार्वेस्टिंग का रहा या चाहे वो फिर से कुछ कीटनाशक या फल फूल का स्प्रे रहेगा, तो उस समय आप सभी को हल्का सा डिफरेंस नजर आएगा कि पौधे किस कदर हाइट उनके बढ़े हुए हैं। तो अभी हम लोग शाम ढलने से पहले हो सके स्प्रे खत्म कर लेंगे, क्योंकि छोटे से एरिया में स्प्रे करना है, बाकी फसल में स्प्रे मेरा नहीं होगा। इसमें जितना जल्दी होगा हम लोग करके और आप सभी को दिखाएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कि इसका हाइट और फल की क्वालिटी कैसा रहा है और पौधे मेरे कितने लंबे और हो सकते हैं। एक तरह से मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है ट्रायल, आप कह सकते हो कि मेरा भी ये ट्रायल चल रहा है, इससे पहले हम भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, रिजल्ट इसका देखे हैं फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कि थोड़ा सल्फेट वगैरह डीएपी वगैरह डालने में दिक्कत करती थी, तो उस समय देखे इसका कि उपाय क्या कर सकते, तो हमको ये मिला, तो फिर ये हम लोग आज डाल रहे हैं। ये मेरे पास टोटल 3 से 4 बोतल है। काची टलके वाला रख ले रोहन, तो सन आदत सन काम है साथियों। यहाँ पे कंप्लीट मेरा काम हो गया, नैनो एरिया का हम लोग स्प्रे कर चुके हैं। अब इसका रिजल्ट जो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पता चलेगा। और हमारा शाम भी हो चुका है, तो स्प्रे खत्म हुई है, अभी स्प्रे खत्म हो गया। उधर मेरा भाई लोग गेम खेल रहा है और मम्मी आ रही है उधर सिंचाई वगैरह करना, तो वो लोग सिंचाई करते हैं और हम चलते हैं घर और फटाफट नहा धोवा के फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, यानी कि कल के ब्लॉग में। तब तक लिए जय जवान जय किसान।